नमस्ते। आज के मुख्य अतिथि श्रीमती ऋषि सिंह जी का स्वागत करें, खैर मकदम करें, हम सभी दिल से एहतराम करते हैं, स्वागत करते हैं हमारे माता का। ऐसे ऐसे से मुख्य अतिथि श्रीमती ऋषि सिंह जी का स्वागत कर रही है। ऐसे समय में तालियों की गड़गड़ाहट होगी नहीं चाहिए, और इसके बाद टीवी के प्राइजेस के लिए हमारी निर्धारित है, उनसे आग्रह है कि वो मंच पर आए और we'll be right back.
Well, a lot of thanks to Wired Group and its mentors. So, Mr. Ji का हम लोग उनका स्वागत करें कि बहुत बड़ी बात है जी, इस उम्र में भी, इस परिस्थिति में भी वह जाके जब भी कोई ऐसा अवसर होता है आने से परहेज नहीं करते हैं। और अब मैं निदेशक महोदय से आग्रह करता हूँ कि वे स्वागतोद्गार अपने मुखारविंद से आज के मुख्य अतिथि के लिए प्रस्तुत करें। माननीय श्रीमती लेसी सिंह जी, माननीय श्रीमती लेसी सिंह जी, बिहार के मंत्री, धमदाहा क्षेत्र के MLA, आज हमारे इस प्रांगण में आई हैं, ये हम लोगों के लिए एक बहुत, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं और उनकी उपस्थिति हम सबों को, हमारे सभी विद्यार्थियों को प्रेरित करेगा, ये हम लोगों की दृढ़ विश्वास है। मंच पर बैठे हमारे प्रिंसिपल साहब, हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स, वाइस प्रिंसिपल साहब, सभी शिक्षक शिक्षिकाएं एवं सभी विद्यार्थियों, मीडिया के लोगों और उपस्थित आगंतुकों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। मैडम के बारे में मैं सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहूँगा कि हम लोग इस स्कूल के सभी लोग उनसे खास रूप से परिचित हैं, जिसका हम गर्व भी महसूस करते हैं। उनके दो पुत्र इस विद्यालय से माध्यमिक पास करके निकले हैं और दोनों ही अपने जीवन में अच्छी तरह से स्थापित हैं। मैडम जब भी इस विद्यालय में आती थी किसी को पता भी नहीं चलता था वो आई हैं, बिल्कुल विद्यालय को थोड़ा भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, ऑफिस में बैठती थी 5-7 मिनट बैठ करके, अगर हो सका तो बच्चों से मिलकर आराम से चली जाती थी। ये उनका एक बहुत बड़ा, मैं बड़प्पन से वो कहूँगा, और स्कूल के प्रति उनका प्यार हमेशा रहा है, इसको हम लोग कभी नहीं भूल सकेंगे। मैडम राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में महिलाओं को न्याय दिलाने हेतु प्रयासरत रहती हैं। नारी चेतना हेतु अभियान चलाना इनका मुख्य कार्य है। पूर्णिया जिले के महान विभूति साहित्यकार डॉक्टर लक्ष्मीनारायण सुधांशु, स्वर्गीय भोला पासवान शास्त्री, स्वर्गीय रामनारायण मंडल तथा स्वर्गीय अनुपलाल मेहता की प्रतिमा स्थापित कर प्रत्येक वर्ष समारोह मनाने की परंपरा इन्होंने शुरुआत की है। महिला उत्थान कार्यक्रम में भाग लेना तथा पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाकर मुख्य धारा में महिला को अव्वल स्थान दिलाने का प्रयास में ये निरंतर प्रयासरत रहती हैं। धमदाहा विधानसभा क्षेत्र को की प्रथम निर्वाचित महिला विधायक और अभी आज ये मंत्री के रूप में स्थापित हैं, इसके लिए हम सभी गौरवान्वित महसूस करते हैं। मैडम आपका फिर पुनः मैं स्वागत करता हूँ इस विद्यालय के इस प्रांगण में, और पुनः मैं उम्मीद करूँगा कि आप कि जो आशीर्वचन मिलेंगे उससे हमारे सभी विद्यार्थी, हमारे सभी शिक्षक, हमारे सभी एम्प्लॉई काफ़ी प्रोत्साहित होंगे। आपका एक बार हार्दिक स्वागत है, धन्यवाद। शिक्षिकाएं, छात्र एवं छात्राएं, आज एथलेटिक्स का समापन है और बाकी सारे कार्यक्रम तो हो चुके हैं, चूँकि यह हमको लगता है कि 22 तारीख से ये चल रहा है, 22 से चल रहा है ना, 22 से चल रहा है, आज 26 तारीख को यह समापन रखा गया है। सारे कार्यक्रम हो गए होंगे, शायद एक दो कार्यक्रम बाकी होगा, 100 मीटर का स्प्रिंट बाकी होगा या और एक आध रिले रेस बाकी होगा, उसके बाद प्राइज वितरण होगा, आपका मार्च पास्ट होगा। मार्च पास्ट का आप लोगों ने अच्छा अभ्यास किया है, मैंने देखा था वीडियो भी, तो मार्च पास्ट बढ़िया से कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो बाहर भी जाएगा। और मेरी सारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं कि जो भी इसमें सफल रहे असफल रहे सबको बधाई है, क्योंकि जो इस बार असफल हैं वो आगे सफल होंगे, तो मैं सबको बधाई देता हूं। थैंक यू। कि जब तक मैडम आती हैं आप लोगों की हौसला अफजाई के लिए, आप लोगों को
कुछ प्रेरणादायक कुछ बातें, कुछ ऐसी कुछ ऐसा दृष्टांत आप लोगों को सुनाए रखें। तो इस बीच में हमारे बीच हैं यहाँ राधेश्याम जी, हालांकि एक से एक गणमान्य व्यक्ति यहाँ पहुँचे हुए हैं, जापान टोक्यो से यहाँ पर विकास जी पधारे हुए हैं जो GSR नोवा के लिए काम करते हैं। यहाँ पर राधेश्याम जी जो गीता में जिनकी अभिरुचि है वे यहाँ पर विराजमान है, उनसे मेरा यह अनुरोध है कि गीता के चंद श्लोकों के द्वारा हमारे बच्चों को कुछ सद्ज्ञान दें, और फिर उसके बाद मैं एक आप लोगों के हौसला अफजाई करने के लिए मैं एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता का मैं पाठ करूँगा। एक नूतन ऊर्जा का संचार हुआ है और मैं मंचासीन तमाम हमारे अग्रजों का साधुवाद धन्यवाद ज्ञापित करते हुए इस प्रांगण में मौजूद तमाम विद्यार्थियों जो एडोलसेंट हैं, किशोर किशोरियों के लिए मैं चंद श्लोक गीता के समर्पित करता हूं, और एडोलसेंस की तरफ जो आपका कदम है वो पॉजिटिव ऊर्जा की तरफ आपको ले जाए, इसके लिए मैं श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 2 श्लोक नंबर 71 अध्याय 2 के श्लोक नंबर 71 में कहा गया है, विहाय कामान यह सर्वान पुमान शरत निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार स शांतिम अधिगच्छति। निष्प्रिय यानी लालसा से मुक्त हो, निर्ममो यानी ममता से रहित हो, और निरहंकार स शांतिम अधिगच्छति। संसार में कौन मनुष्य शांति प्राप्त करता है जो निष्प्रिय यानी लालसा से मुक्त हो, ममता रहित हो यानी सांसारिक मोह माया से मुक्त हो, और अहंकार रहित हो यानी दंभी अभिमानी घमंडी ना हो, वही व्यक्ति संसार में शांति को प्राप्त करता है। यही हमारे नेत्रहाट गुरुकुल में सिखाया गया था। और आज जितने भी एडोलसेंस यहाँ बैठे हुए हैं, मैं रमेश चंद्र मिश्रा जी के लिए जोरदार अभिनंदन करते हुए मैं आज उनके प्रांगण में एक श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक समर्पित करता हूँ। यादृशाय सन्निवसति यादृशाय सन्निवसति यादृशांश चोपसेवते यादृगच्छश्च भविन्तु तादृग भवति पुरुषः। यादृशाय सन्निवसति जिसके साथ निवास करता है, यादृशांश चोपसेवते जिसकी सेवा में रत रहता है तल्लीन रहता है, यादृगच्छश्च भविन्तु जैसा बनने की चेष्टा करता है तादृग भवति पुरुषः वैसा पुरुष बन जाता है। इस महामना के सानिध्य में आप लोग सब बनने वाले हैं, ये भारत के भविष्य बैठे हैं। इस प्रांगण में ये एथलेटिक्स के खिलाड़ी नहीं, भारत के नए भारत के निर्माण करने की नींव बैठे हुए हैं। बच्चों और हमारे जितने भी यहाँ मेंटर्स हैं यानी अभिभावक हैं, मैं उन तमाम गुरुजनों से उन सम्मानित शिक्षकों से एक ही बात दोहराना चाहता हूँ, होके मायूस नहीं हूँ शाम से ढलते रहिए, होके मायूस नहीं हूँ शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए। एक ही पांव पे चलोगे तो थक जाओगे, एक ही पांव पे चलोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहिए। कल आज 26 दिसंबर है और कल माननीय भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिवस था, तो उनकी चंद पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं, क्योंकि यहां की व्यवस्था कुछ और है। यहां एनुअल एथलेटिक्स मीट 2022 बाधा दें उनकी एक पंक्तियां हैं, बहुत सारी पंक्तियां हैं, पढ़ने को जी करता है बट समय की प्रतिबद्धता है। बाधाएं आती हैं आए, वो तुम्हारे लिए समर्पित कर रहा हूं किशोर और किशोरियों जो बैठे हुए हैं। बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगा कर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। बहुत बहुत क्रांतिकारी सलाम, जय विद्या विहार, जय नेत्रहाट। राधेश्याम जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मेरी ओर से हमारे सहकर्मियों की ओर से, इन इस विद्या विहार के तमाम नन्हे मुन्ने बच्चों की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे मैं हरिवंश राय बच्चन की एक कविता मैं सुनाने वाला था, लेकिन
जब इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी की चर्चा इन्होंने कर दी, तो अब मैं हरिवंश राय बच्चन अटल बिहारी वाजपेयी जी की ही कविता का वाचन यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, और उसका शीर्षक है उम्र की ऐसी की तैसी। अगर आप यूं ही खेलते रहेंगे, कूदते रहेंगे, तो निश्चित बात है आप बचपन में भी आप बचपन जैसे ही दिखेंगे और बचपन जैसा ही हौसला आपके आपका बना रहेगा। तो मैंने अपना मूड बदला और मैं तुरंत हरिवंश राय बच्चन जी से अटल बिहारी वाजपेयी जी पे आ गया, क्योंकि ये मेरे आदर्श नेताओं में से एक हैं। और शीर्षक है उम्र की ऐसी की तैसी। बहुत ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छा लगेगा। घर चाहे कैसा भी हो, उसके एक कोने में खुलकर हंसने की जगह रखना। सूरज कितना भी दूर हो, उसको घर आने का रास्ता देना। कभी कभी छत पर चढ़कर तारे अवश्य गिनना। हो सके तो हाथ बढ़ाकर चांद को छूने की कोशिश करना। अगर हो लोगों से मिलना जुलना, तो घर के पास परोस जरूर रखना। भींगने देना बारिश में उछल कूद भी करने देना। हो सके तो बच्चों को एक कागज की किस्ती चलाने देना। कभी हो फुर्सत आसमान भी साफ हो तो एक पतंग आसमान में चढ़ाना। हो सके तो एक छोटा सा पेंच भी लड़ाना। घर के सामने रखना एक पेड़, उस पर बैठे पक्षियों की बातें अवश्य सुनना। घर चाहे कैसा भी हो, घर के एक कोने में खुलकर हंसने की जगह जरूर रखना। चाहे जिधर से गुजरिए मीठी सी हलचल मचा दीजिए। उम्र का हर एक दौर मजेदार है, अपनी उम्र का मजा लीजिए। जिंदा दिल रहिए जनाब। ये चेहरे पे उदासी कैसी, वक्त तो बीत ही रहा है। उम्र को ऐसी की तैसी। गीता के ज्ञान से इस बीच राधेश्याम जी ने आपको सराबोर किया, वाकई बहुत ही प्रासंगिक ये दोनों श्लोक थे। एक जो श्लोक था, विहाय कामान यः सर्वान् पुमांस शरत् इन्द्र स्पृह निर्ममो निरहंकारो सौ शांति मध्य गच्छति, यह जाकर के शांति के लिए बात थी। लेकिन खेलकूद या जीवन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है जो आप लोग जानते होंगे, जो अपना बेस्ट दीजिए, गिव योर बेस्ट एंड एक्सेप्ट द रेस्ट, क्योंकि आपके हाथ में केवल और केवल कर्म है। बस फल वह कभी आपके हाथ में रख इंसान के हाथ में था न रहेगा, लेकिन इसको करने वक्त में निश्चित बात में एक शैथिल्य नहीं आना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु माते संगोस्त्व कर्मणि। मेरा नाम विकास रंजन है और मैं पिछले 8 साल से टोक्यो जापान में रह रहा हूँ। जापान और भारत के रिश्तों की बातचीत आप लोगों ने न्यूज चैनल पर, यूट्यूब पे या फिर डिफरेंट मीडियम से सुना होगा, देखा होगा। कुछ चीज़ें जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। खेल का माहौल है और आप सारे लोग यहाँ पर इस एथलेटिक्स एनुअल मीट में जमा हुए हैं, और निसंदेह आप लोगों को एक बात तो ज़रूर पता चला होगा या फिर महसूस किया होगा। हम लोग जब छोटे बच्चे थे तो सुनते थे और पिताजी भी कहते थे कि बेटा पढ़ाई पर ध्यान दो, सिर्फ पढ़ाई करने से तुमको सफलता मिलेगी, जीवन में कुछ बढ़ना है तो सिर्फ पढ़ाई करो। आज वो समय नहीं रहा। आज जो लोग खेलकूद में अव्वल हैं, खेलने में अच्छे हैं, वो सब भी अपने ज़िंदगी में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। मेरा आप छोटे भाइयों से एक ही अनुरोध है कि आप जिस विधा में हैं, जिसमें आपको मन लग रहा है, उसमें आप आगे बढ़िए। डॉक्टर इंजीनियर बनने की होड़ में मत लगिएगा, IAS IPS बनने के चक्कर में मत पड़िएगा। अगर आप क्रिकेट अच्छा खेलते हैं तो एक बहुत अच्छे क्रिकेटर के रूप में भी आपको पूरा विश्व जान सकता है। सचिन तेंदुलकर हो या महेंद्र सिंह धोनी, उनको हर कोई जानता है कि नहीं। वो क्रिकेट में महारत हासिल किए हुए थे। ऐसे ही बहुत सारे स्पोर्ट्स की विधाएं हैं जिसमें आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। एथलेटिक्स में सारे रेस होते हैं, 100 मीटर 200 मीटर, विश्व स्तर पर उनका नाम है। तो मेरा एक मैसेज है आप लोगों के लिए कि अगर आपको स्पोर्ट्स का कोई भी एक्टिविटी पसंद है, उसको सेलेक्ट करके अपने करियर में आगे बढ़िए। जापान के बारे में लोगों को कहा जाता है कि जापान बहुत ही अनुशासित देश है। वहाँ के लोग काफ़ी डिसिप्लिन और सेल्फ प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं। कई जगह मुझे मौका मिला इस बात को चर्चा करने की, आखिर ऐसा होता क्या है। और मेरा मानना है कि जापान का जो प्राइमरी शिक्षा है, प्राइमरी एजुकेशन है, वही उनका बेस है उस देश को डेवलप बनाने के लिए। वो कैसे,
जब छोटे बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं जो 5 साल के कम आयु वर्ग के होते हैं, उन बच्चों को वहाँ पर ABCD 1 2 3 4 आदि सीखने के लिए नहीं कहा जाता है। वहाँ पर उन बच्चों को व्यवहारिक ज्ञान सिखाया जाता है। आप क्लास में कैसे बैठते हैं, आप अपने आसपास की सफाई कैसे रखते हैं, आप वहाँ पे अपने से बड़ों का कैसे आदर करते हैं, आपको इस बात का ध्यान रखना होता है कि आपके किसी भी एक्टिविटी से कोई दूसरा आदमी परेशान ना हो जाए, डिस्टर्ब ना हो जाए। यह व्यवहारिक ज्ञान जो छोटा बच्चा कम आयु वर्ग में सीखता है, वही बच्चा जब बड़ा होता है तो समाज को एक डिफरेंट डायरेक्शन में लेके जाता है। और मेरा मानना है कि जो जापान की ये जो प्राइमरी शिक्षा है, कहीं ना कहीं हम नेत्रहाट वाले जो नेत्रहाट आवासीय विद्यालय के पूर्ववर्ती छात्र हैं, उनको भी ये चीज़ समझ में आती है। जब हम वहाँ हॉस्टल में होते थे तो हम अपनी आश्रम की सफाई करते थे, अपने हॉस्टल की सफाई करते थे, टॉयलेट साफ़ करते थे, आंगन की सफाई करते थे, बरामदा की सफाई करते थे, खुद से खाना परोसते थे, एक दूसरे को खिलाते थे, सारा हॉस्टल का सारा काम हम खुद ही करते थे। वो जो शिक्षा हम लोगों को 1954 में 54 से चलता हुआ आ रहा विद्यालय का जो हमारा कार्यक्रम है मिलता रहा, वही शिक्षा जापान में आज भी लोगों को दिया जाता है। और विद्या विहार प्रांगण में बैठे आप सभी जितने भी हमारे छोटे भाई बहन हैं, मेरा आप लोगों से एक ही कहना है कि जो शिक्षा आप लोगों को यहाँ मिल रही है, क्योंकि यहाँ भी नेत्रहाट का बीज कई साल पहले यहाँ पे बोया जा चुका था। हमारे प्रथम डायरेक्टर जो थे श्रीमान जी वासुदेवन जी, दिवंगत हैं, अभी हमारे बीच नहीं है, उनको मैं नमन करता हूँ। उनके जो दिशा निर्देश में इस विद्यालय की जो नींव बोई गई थी, वो आज हर जगह फैल चुका है। विश्व के हर कोने में विद्या विहार के छात्र आज बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, बहुत ही समाज को बदलने का भी काम कर रहे हैं। और आप सभी से भी मुझे यही अनुरोध है कि आप लोग बिल्कुल इसको आगे लेकर जाएंगे जो यहाँ से आप लोगों को शिक्षा मिल रही है। और अभी हमारे दूसरे डायरेक्टर जो हैं विद्यालय के, रंजीत जी, वो भी उसी नेत्रहाट विद्यालय के प्रथम बैच के छात्र हैं। हमारे रमेश चंद्र मिश्रा जी उसी विद्यालय के छात्र हैं। बहुत सारे नेत्रहाट के छात्र यहाँ पर इस विद्यालय को बनाने में अपना खून पसीना लगाए हैं। और मुझे लगता है कि अगर प्राइमरी शिक्षा या फिर जो अभी 9th 10th और हायर एजुकेशन की बात हो रही है, उसमें जो इन लोगों का गाइडलाइन मिल रहा है, निसंदेह आप लोग बहुत अच्छा करेंगे, बहुत आगे जाएंगे। मेरी शुभकामनाएं हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत हेलो, माय नेम इज प्रियंका। हेलो, माय नेम इज कोमल।
हेलो माय नेम इज नन्नी मुर्मू. हेलो participants are going to provide their specified places and they are waiting for the map. On your mark, and with this start to start participants and start rowing in this group. अपना जज्बा अपना जलवा बिखेरा है उसका एक छोटा सा नजारा कि ये लड़कियां 400 मीटर दौड़ कर पार करना जब तक कि उसके पास स्टेमिना नहीं हो एनर्जी नहीं हो ये कोई सामान्य सी बात नहीं है. और धीरे धीरे अपने स्टेमिना को बरकरार रखते हुए और अपनी एनर्जी को धीरे धीरे इंक्रीज करते हुए लड़कियां बहुत जल्द ये फिनिशिंग पॉइंट की ओर जा रही हैं. और एक ग्रीन टी शर्ट पार्टिसिपेंट वो आगे चल रही है और अगर अपने अगर स्टेमिना का बरकरार रखिए तो किसी तरह से प्रथम स्थान की हकदार होगी और यही तक मेरी उम्मीद रही है और ऐसा ही हुआ. पहले फुटबॉल खेलकर अपनी मांग स्पेशियों को मजबूत करोगे. चाहो गीता ज्ञान पहले गीता ज्ञान पाने से पहले अपनी मांग स्पेशियों को मजबूत होती है. हेलो आई एम नैनी गुप्ता. हेलो आई एम प्रिया रॉय. हेलो आई एम अनुकृति रानी. हटिए हटिए हेलो आई एम राजवीर कुमार. हेलो आई एम साई निगम. हेलो आई एम आयुष कुमार. हेलो आई एम ख्वाजा आतिफ हुसैन.
हेलो आई एम आदर्श कुमार सिंह. हेलो आई एम प्रियांशु कुमार. 100 4 into 100. चलिए टेक अ प्लेस सर. फ्यू वर्ड फॉर दिस. This is very fast event. They have to take a position properly and then only they will be able to win this race. करके इस विक्ट्री स्टैंड तक लावें और उनके कर कमल से ही इन बच्चों को मेडल दिया जाएगा. राहुल सांडिल्या जी. ओके प्रिंसिपल सर. प्रिंसिपल सर यू आर रिक्वेस्टेड प्लीज एस्कॉर्ट आवर चीफ गेस्ट मिसेज लेसी सिंह जी टू द विक्ट्री स्टैंड. मार्वल रेस फर्स्ट पोजीशन सोहित कुमार. हेलो हेलो माइक
here are the participants of, here are the rank holders of Esplanade Marvel Race. First one, Shohit Kumar, class 5, Indian House. Second one, Raman Kumar, class 5, from Renu House. Third one, Pratik Anand, class 4, from Renu House. Well, they deserve a big round of applause from them by clapping. Your clapping should not stop. Everybody, please go on clapping. Shohit Kumar, Raman Kumar and Pratik Anand. First, second, Manas Ravi Ranjan and third, Anshu Anand. Amit Lagra ji, you are required over here. Iske baad group B ka. Achha, iske one ho gaya. Well, very nice. Let us clap. Vishwajit, Adit Kumar, they both have got the first position. This position has been bracketed by these two participants. Second, Manas Ravi Ranjan, and third, Anshu Anand. Second, and Mayank Kumar Sinha on third position. A standing broad jump event. लाइए ना नेक्स्ट इक्कल तू ये नहीं नहीं वो आपके पास बोले आपको दिया बी हाँ ग्रुप बी कुछ सेकंडी सर से भी करवा दीजिए आएंगे तब उन्होंने भी रिफ्यूज कर दिया वो आ गए बैठ गए तुम लोग किस ग्रुप में हो Well, these are the rank holders of 200 meter race, Ronit Raj, Kesav Kamal and Bhaskar Kumar. Position holder of next event, 400 meter race. And these participants are Ronit Raj on first position, Ayush Kumar on second position, and Nitir Kumar on third position. बता दूं कि सच पूछिए तो उस पर रौनित राज को उस पर से उतरने का मन ही नहीं कर रहा था क्योंकि उसे पहले ही पता चल गया कि अगले इवेंट का भी रौनित राज फर्स्ट उज्जवल कुमार सेकंड एंड भास्कर कुमार थर्ड वैसे नहीं बिना पूछे मत वेल नाउ पोजीशन होल्डर ऑफ लॉन्ग जंप They are Karthik Kumar, Bhaskar Kumar, and again Ronit Raj, but this time on third position. Well, utro ab ha. The same. थोड़ा सा मायूस हुआ रोनित राज किस्म की उसका पोजीशन खिसक गया लगातार दो इवेंट में फर्स्ट पोजीशन पर था तीन सॉरी वेल दीज आर द रैंक होल्डर्स ऑफ लॉन्ग जंप कार्तिक राज फर्स्ट भास्कर कुमार सेकंड एंड रोनित राज थर्ड Amit Lagra ji, please you come here. There are four participants on first position because this is a group event. Ayush Kumar, Nitin Kumar, Bhaskar Kumar, Ronit Kumar. This group has got first position. On second position, there are Adarsh Kumar Singh, Gaurav Kumar, Kesav Kamal and Anubhav Kumar. This troop has got the second position.
एक आदमी ऊपर रहेगा बाकी सब उससे नीचे रहे, एक आदमी ऊपर बाकी सब उससे नीचे रहे। कंट्रीब्यूटेड लेडीज, रियली दिस इज द अचीवमेंट ऑफ ग्रुप। Just for significance, one student is on the victory stand, but others all are just behind him. उतर के फोटो ले लेंगे तुरंत, हो गया ना? लाकरा जी प्लीज हैंड ओवर द नेक्स्ट पेपर। किसका भला होगा, देगा कौन है वो जाकर? कौन सा ग्रुप है? ग्रुप अमित जी, प्लीज यू कम हियर। वन Come on first, don't delay. So all photographers are also requested, please take a snap soon. Well, very nice, congratulations to all of you. Now we are going to start first position, Lalit Kumar on second position and Muhammad Phool Hassan on third position. Bum. Bum. While spectators, bum. 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 इतना ही नहीं, फिर से 800 मीटर रेस में भी जाकर के वही बात, वही पोजीशन है फिर से। मतलब इसमें बम और ललित को कोई पोजीशन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, केवल थर्ड पोजीशन पर जो नया पार्टिसिपेंट आएगा वह है गुलशन कुमार। इन 800 मीटर रेस आई वन इट मस्ट बी हैपन। बम, वेरी गुड। And now I would like to request our honorable director sir, please you give the medal to our medalists who have got the positions. Kumar on third position. Very nice. Name of event is 100 meter race and these are the participants. Those who have got the positions first, second and third, they are Nandini Rai first position, Komal Kumari second position and Priyanka Kumar third position. Congratulations to all of you. Congratulations, please don't take much time. Bhundarji, please listen very carefully. This is 200 meter race. This is 200 meter event and the first position has been backed by Priyanka Kumari, second position by Komal Kumari and third position by Nandini Rai. Priyanka Kumari on first position, Komal Kumari on second position and Yasita on third position. Let's clap for them. Many, many congratulations. Jyotsna Singh first, Amrita Kumari second and Supriya Suman third. Jyotsna Singh first, Amrita Kumari second and Supriya Suman third. Second, Jyotsna Singh. And third position we have Pallavi Kumari. Swati Priya, Jyotsna Singh and Pallavi Kumari, these are the position holders of this event, standing broad jump. On second position girls ka karwa kar ke se no girls ka bhi g group hai bas ho gaya bache chho ladkiyon ka karwa diye ladkiyon ka inke haath se matlab not participants but they are rank holders and the from group first the group has got the first position sadhvi kumari please go to victory stand on first position akanksha raj on second position and priya roy on third position rest
rest participants of that group please just take your position behind of her. देखिए ग्रुप जी बाकी है ना, ये ग्रुप जी पहले कराइए, कहिएगा ग्रुप जी करा, ये ग्रुप जी, ग्रुप डी बेटी फर्स्ट, कोमल कुमारी सेकंड, साक्षी प्रिया थर्ड, आप हो गया, अब टाइम नहीं, प्लीज एंड द इवेंट इज लॉन्ग जंप एंड रैंक होल्डर्स आर अंजलि कुमारी, श्वेता कुमारी एंड साजिया खातून। दरअसल मैडम के पास फुर्सत नहीं है और हम लोग चाहते हैं कि अब तक तमाम लड़कियों को मैडम का हाथ से ही दिलवा दें, इसीलिए जल्दबाजी का एक कारण है। हाई जंप निशा भारती फर्स्ट पोजीशन, नेक्स्ट इवेंट हाई जंप।
अवसर पर यहाँ उपस्थित इस स्कूल के डायरेक्टर साहब, प्रिंसिपल साहब, सभी शिक्षकगण, शिक्षिकाएं और जिनके ये प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, सभी इस स्कूल के छात्र छात्राएं, अन्य सभी इस विद्यालय परिवार के सदस्यगण, जैसा कि डायरेक्टर साहब के द्वारा कहा गया कि लगातार 6 दिनों से ये विभिन्न विधाओं में खेल का आयोजन हो रहा है और बहुत ही अनुशासन तरीके से यहाँ पर सभी इस स्कूल के छात्र छात्राएं ने इसमें हिस्सा लिया और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने प्रतिभा का प्रदर्शन किया। और आज के युग में पढ़ाई के साथ साथ खेल भी बहुत जरूरी है। खेल ना केवल मनोरंजन का साधन है बल्कि शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ भी रखता है, इसलिए बहुत ही ये अच्छी पहल है कि हर एक वर्ष इस तरह के आयोजन, खेल का आयोजन किया जाता है। अभी भी हम लोग के सामने भी कई हमारी छात्राएं, छात्र यहाँ पर कई विधाओं में अपने प्रतिभा का प्रदर्शन किए, बहुत ही अच्छा लगा। और इस विद्यालय से पहले से ही लगाव रहा है क्योंकि मेरे 2 पुत्र इस विद्यालय में पढ़ाई कर चुके हैं। एक अभिभावक के तौर पर मैं बराबर यहाँ आने का काम करती थी और अभी भी इस विद्यालय से लगाव है, इस विद्यालय परिवार से, और जो संस्थापक है और इस संस्था के सचिव हैं आदरणीय रमेश चंद्र मिश्र जी, उनसे बहुत ही हम लोगों का पारिवारिक संबंध है और इस इलाके में इस तरह के स्कूल उन्होंने संचालित किए हैं। शैक्षणिक क्षेत्र में उनका काफ़ी योगदान रहा है तो उनके प्रति भी इस तरह के आयोजन और इस तरह के शिक्षण संस्थान स्थापित करने के लिए उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और आप सभी यहाँ पर पहले तो हमारी छात्राएं यहाँ पर लड़कियों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था नहीं थी, पहले लड़के के लिए सिर्फ था, अब तो लड़कियों के लिए भी, छात्राओं के लिए भी यहाँ पर पढ़ाई की व्यवस्था है। बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर हम छात्राएं हैं और सभी जितने भी आज 6 दिनों से इस प्रतियोगिता में, खेल प्रतियोगिता में सभी शामिल सभी प्रतिभागी को शुभकामना देती हूँ। आप सभी लोग छात्र छात्राएं इसी तरह से जो आपको अवसर मिल रहा है इस विद्यालय में अपने खेल पढ़ाई के साथ साथ खेल के प्रतिभा को उजागर करने का, आप यहां से लेके राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपने प्रतिभा को लोहा मनवाएं, यही शुभकामना है। और पढ़ाई के क्षेत्र में भी आप सभी छात्र छात्राएं आगे बढ़ें, अपने स्कूल का, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, आप देश के भविष्य हैं। छात्र छात्राएं सभी के लिए मैं शुभकामना देती हूँ। सभी यहाँ पर डायरेक्टर साहब, प्रिंसिपल साहब, अन्य सभी अधिकारी, शिक्षकगण, शिक्षिकाएं, सभी इस विद्यालय के परिवार के सदस्य को पुनः बस इस तरह के कार्यक्रम के आयोजन के लिए शुभकामना देती हूँ। और मुझे यहाँ पर आमंत्रित किए बहुत ही अच्छा लगा, मैं बहुत देर से यहाँ देख रही थी, बहुत ही अच्छा लगा हम लोगों को कि आप लोगों ने यहाँ इस अंतिम पड़ाव में और समापन समारोह में बुलाने का काम किए, बहुत ही आप सभी विद्यालय परिवार को धन्यवाद। इन्हीं बातों के साथ सभी को शुभकामनाएं। मैडम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और प्यारे छात्र छात्राओं, बता दूं कि जैसे कि मैडम ने कहा है कि मैडम के 2 पुत्र यहाँ पर आयुष और सूरज
दोनों यहाँ पर पढ़ा है और मैं दोनों का हाउस मास्टर रह चुका हूँ। इनके दोनों बच्चे खेलकूद में काफी दिलचस्पी रखते थे। अब मैं प्रीति मैडम, विद्यालय की प्रशासिका, उप प्राचार्य महोदया श्रीमती रीता मैडम, इसके बाद मैं माननीय निदेशक महोदय से आग्रह करता हूँ कि अंग वस्त्र के द्वारा माननीय अतिथि श्रीमती लेसी सिंह जी को सम्मानित करें। मैडम के दोनों पुत्र का नाम था आयुष और सूरज। सूरज पहले पढ़ा था, उसके बाद आयुष आया था। ये सब आ गए सर, आइए आप लोग सब। और ये दोनों बच्चे पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में भी काफी दिलचस्पी रखते थे। विद्यालय के निदेशक इंजीनियर रंजीत कुमार पाल सर, मैनेजमेंट ट्रस्टी के सदस्य इंजीनियर राजेश चंद्र मिश्र जी, प्राचार्य, प्रशासक, उप प्राचार्य, विद्वत शिक्षक शिक्षिकाएं एवं मेरे भारत के होनहार छात्र एवं छात्राओं, आज जिस मुख्य अतिथि को आपके बीच लाके हम इतना आह्लादित हैं कि इस पूर्णिया जिला में ही नहीं बिहार के मानचित्र पर लेसी सिंह जैसी हमारी विधायिका, जो कि लगातार 2000 से लगातार हमारे पूर्णिया जिला का नाम इस भारत के मानचित्र पर लाई है। मैं जब कभी भी इन्हें देखा है, इनके कार्यों से इन्हें जानते हैं। धमदाहा की विधायिका रही हैं, एक डायनामिक पर्सनालिटी की महिला, जब कभी भी सदस्य बनकर के विधानसभा में गई हैं, अपने स्वभाव से, अपने कार्यक्रम के कारण आज बहुत चर्चित हैं। हम आपको ला करके अपने विद्यालय के छात्राओं को ये संदेश देना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में बिहार में नारी एक शक्ति के रूप में उभरेंगी और आपके आशीर्वाद से हमारे छात्राएं सच में आज लाभान्वित होंगे। मैं आपको इस अवसर पर कोटि कोटि साधुवाद देता हूं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम आपसे आशा करते हैं कि आपका आशीर्वाद, आपका सहयोग हमें बना रहे। जय हिंद, जय भारत। वेरी गुड। Raise up your hands. Raise up your folding hands. Hold the hands up. Four participants. Yes, very good. Make a sign of victory. Well, get down. Next, second position, Kavalpreet Singh, and third position, Vinit Kumar. Please come soon. First position in long jump, only third position in 100 meter race. She has got the first position in 100 meter race, first position in 200 meter race, second position in 800 meter race, and third position in high jump. This is as a match of Ritika Sa. Ritika Sa, come. And please start running from there. So sportsman sprint. Many, many congratulations from my side, from all the teachers, from all the members of Vidya Vihar Residential School. She has been declared as best athlete of Group F. Many, many congratulations. Very good. Jump and get down. Yeah, very nice. From Games Department also. And I would like to congratulate, I would like to persons and the officials, those who have had this department, especially Saxena sir. I'm not finding him here. It is very odd, unfortunate. Sorry, sir. Sports department. A bright evening to the good evening to the December gathering. It's my pleasure to propose the vote of thanks on behalf of Games and Sports Department, all the athletes and all the members of Vidya Vihar.
First and foremost, we thank our Lord Almighty for countless blessings and making today's event a magnificent one. Extracurricular activities are an essential ingredient of the overall education process. As said, sound body possesses sound mind, so is given proper attention in our school. They are one of the important parts of our school curriculum. It gives us immense pleasure at this hour to thank our chief guest, Mrs. Lacey Singh, director sir, and all distinguished guests on and off the stage. Thank you, sir and ma'am, for your gracious presence despite your busy schedule. Talent wins games, but teamwork and intelligence win champions. The sport is a platform to showcase the talent. It is about having fun, being physically active, learning a basic of sport. Abhi. We extend our heartfelt thanks to Sri Ramesh Chandra, sir, guest of honor, for his remarkable presence and constant motivation and all that. I must draw attention of all about Sri Rajesh Chandra Mishra, sir. He is our guide, whatever be the area, he is our counselor when we are blind. I have no words to detail him. We render our sincere thanks to our principal. We thank our vice principals. I must mention here our administrators for their periodical monitoring and solid support in all aspects which help us to grow. It is our sir and madam words of appreciation which endues us in all our efforts. Thank you, sir and madam.